खा के आ चुके हैं गोलगप्पे। लेकिन उस दिन ना जब वहाँ खाए थे हमने सदर मार्केट में, वहाँ का तो बहुत ज़्यादा मतलब तीखा पानी था, लेकिन यहाँ पे ना बहुत अच्छा है, ज़्यादा मिर्ची वाला पानी नहीं है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आज ना सुबह सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि रात से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, कुछ दिक्कत हो रही है, पता नहीं आधे पोर्शन में लाइट नहीं है, आधे में लाइट है आधे में लाइट नहीं है। और अभी मुझे जाना है ऑफिस, 8 बज चुके हैं, पानी ख़त्म हो चुका है, तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे नहाना धोना सब करूँ, क्या करूँ। अभी मैं बना रही हूँ घी, ये देखो घी उबल रहा है। तो 8 बज चुके हैं, हर्ष कह रहे हैं कि अभी लग जाएगा 10 से 15 मिनट लाइट आने में, 10 से 15 मिनट में लाइट आएगी तब समर चलेगा, तब पानी भरा जाएगा, तब मैं ऑफिस के लिए तैयार होऊंगी। तो भाई आज का तो दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है, रात से ही नहीं है। वैसे कल जब मैं ऑफिस से आई थी, पता नहीं दिन में कब से आधे पोर्शन में लाइट नहीं है, सिर्फ पीछे वाले कमरे में लाइट आ रही है, आगे आधे पोर्शन में लाइट नहीं है। जब मैं ऑफिस से आई थी तब भी नहीं था लाइट। तो पानी थोड़ा बहुत भरा होगा टंकी में, ऊपर टैंक में, तो तब तो पता नहीं चला, लेकिन जब सुबह उठ के फ्रेश फ्रेश होने गए तो पता चला कि पानी नहीं है, पानी ख़त्म है। तो अभी देखो कितनी देर में आता है, कर तो रहे हैं जुगाड़ कुछ कि चल जाएगा समर, और नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी आज ऑफिस। गर्मी हो रही है, इतनी ठंड हो तो एक बार कुछ चल भी जाए कि भाई बिना नहाए कपड़े चेंज करके चले जाओ, लेकिन गर्मी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि बिना नहाए तैयार हो के चले जाओ। तो मैंने हर्ष से बोला कि मुझे एक बाल्टी या दो बाल्टी पानी कहीं से आसपास से ला के दे दो, तो मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगी ऑफिस के लिए। तो वो गए हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, सब मिलके देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। अभी फ़ोन आया था मेरे पास में कि 10-15 मिनट में अभी करा दे रहे हैं तो पानी चल जाएगा, अच्छी बात है। अगर 8:30 साढ़े 8 तक भी हो जाता है तो मैं फटाफट से नहा धो के तैयार हो जाऊँगी। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है बहुत ख़राब से, देखते हैं क्या होता है। अगर लाइट नहीं आती है तो कहीं ना कहीं से आस पड़ोस से पानी मंगाऊंगी मैं बाल्टी में भर के, फिर नहा के तब ऑफिस जाऊंगी, ऐसे में नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरा आज छुट्टी हो जाएगी पानी के चक्कर में। तो अभी आज ना तो खाना बनाए, बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, खाना भी नहीं बनाए सुबह का पानी की वजह से। जब पानी नहीं होता है, लाइट नहीं होती है ना, तो सारे काम रुक से जाते हैं, समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है हमारे यहाँ, बस मैं घी काफ़ी दिन से ये रखा था घी बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास टाइम है मॉर्निंग में, तबीयत भी थोड़ी ठीक है पहले से, तो पहले इसको निपटा देती हूँ। पानी लाइट तो है नहीं, खाना बन रहा है, तो मैंने सोचा कि पहले घी बना लेती हूँ, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो अभी तब तक लाइट वाइट का इंतज़ाम करते हैं, ये क्या जुगाड़ कर रहे हैं नीचे जाके सब लोग, देखती हूँ लाइट आती है तो ठीक है। 8:30 तक वेट करूँगी मैं, 8:30 के बाद में मैं कहीं ना कहीं से बाल्टी में पानी मंगाऊँगी, क्योंकि और लोगों के घर तो आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं, पर हाँ लाइट तो आ रही है, लेकिन हमारे हाफ़ पोर्शन में नहीं आ रही है, पूरी बिल्डिंग में हाफ पोर्शन में लाइट नहीं है, तो वो दिक्कत हो रही है। अभी देखते हैं कितनी देर में आती है कितनी देर में नहीं आती है। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे ब्लॉग देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है हिंदश्री, हिंदश्री फैमिली के नाम से आप चैनल सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। और वीडियो अगर मेरी पसंद आती है, ब्लॉग पसंद आते हैं, तो लाइक करिए, शेयर भी करिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँगी ना तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो बस यही है,
आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार करें। वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे अपनी वीडियोस पे, घी जाके देख लेती हूँ कभी नीचे जल जल जाए तो। थोड़ा सा नीचे तेज आँच हो रही थी, लग गया, थोड़ा सा दिक्कत हुई है, कम कर दिया अभी मैंने। मैं जाके अंदर आप लोगों से बात शुरू कर दी तो ये नीचे थोड़ा सा लग गया, मतलब जल गया नीचे। तो बस ये बन जाएगा, जब तक देखती हूँ क्या होता है। अभी तो आधा भी नहीं बना है और बड़ी दिक्कत होती है, लाइट पानी ना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, सुबह सुबह का सारा काम रुक जाता है। अब लंच भी दोपहर में बना के हर्ष मेरे ऑफिस पहुंचाएंगे और अभी सुबह का कुछ नहीं बना है, सब ऐसे ही पड़ा है, लाइट पानी के बिना पानी नहीं है। और मेरे तो पानी का हो गया था जुगाड़, हर्ष लाए थे बाहर से खरीद के पानी बोतल में, तो मैं नहा ली हूँ और तैयार भी हो गई हूँ। खाना वाना कुछ नहीं बनाया आज, लंच में पहुँचा देंगे, बस निकल रहे हैं यहाँ से। तो बोतल खरीद के लानी पड़ी बाहर से पानी की, क्योंकि यहाँ पे किसी के नल नहीं है, सिर्फ समर लगे हुए हैं तो वो दिक्कत है। थोड़ा सा पानी अगर लाइट नहीं आती है तो समर नहीं चलते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है कि पानी कहाँ से आए। तो बोतल, जो पीने वाली बोतल होती है वो खरीद के लेके आए, उससे मैं नहाई हूँ और अभी जा रहे हैं। 9 बज गए, टाइम हो गया, तो मैं आ जा रही हूँ ऑफिस, अब निकल रही हूँ बस। अभी हम आ रहे थे ऑफिस से और इनका दिमाग घूम गया है बिल्कुल। दिमाग घूम गया, कहाँ जा रहे हैं आप? गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे खाने। इनकी थोड़ी सी आवाज़ कम निकलती है, मेरी तेज निकलती है। गोलगप्पे खाने। हाँ, गोलगप्पे खाने, अब तेज आ गई। तो घर पहुंच चुके थे, घर के बिल्कुल कोने पे पहुंच चुके थे, अंदर मुड़ने वाले थे और आप कह रहे हैं कि चल तुझे गोलगप्पे खिला के लाऊंगा। तो अब जा रहे हैं गोलगप्पे खाने और देखो मेरा पर्स भी मेरे साथ है और मेरा मतलब खाना वाना सब, मेरे टिफिन विफिन अभी मेरे साथ ही, अभी घर भी नहीं पहुंचे और फिर दोबारा से गाड़ी बैक कर दी। दिमाग घूम गया इनका तो। और मुझे वैसे भी भूख लग रही है, गोलगप्पे खाने का भी मेरा मन नहीं था, मैंने बहुत मना करा है, लेकिन इनको खाने हैं गोलगप्पे जाके। तो अभी जा रहे हैं ट्यूलिप चौक। ये है, देखो दिखाती हूँ, रास्ते में पेड़। यहाँ पे यही दिक्कत है थोड़ी सी कि बीच रास्ते में जो पेड़ होते हैं ना वो नहीं काटे जाते, बड़ी संभाल के ध्यान से, रात में तो बहुत केयरफुली गाड़ी निकालनी पड़ती है, बहुत मतलब रास्ते में जो पेड़ आ जाता है ना तो उसे काटते। वो तो उसमें लिखी आ रही होगी। अभी बज रहे हैं 7 और ये है पूरा। उस दिन भी रात को दिखाया था जब हम आइसक्रीम खाने आए थे, यहीं पे आए थे, और अब गोलगप्पे खाने भी यहीं पे आए हैं, बस आ चुके हैं। 5 मिनट नहीं लगती घर से आने में। बीकानेर वाला आ चुका है। ये भी, अरे यहाँ पे है बीकानेर वाला जिसपे गोलगप्पे भी मिलते हैं। ये
ये कॉर्नर वाली दुकान है जिस पे मिठाइयाँ गोलगप्पे सब मिलता है। खा के आ चुके हैं गोलगप्पे, लेकिन उस दिन ना जब वहाँ खाए थे हमने सदर मार्केट में, वहाँ का तो बहुत ज़्यादा मतलब तीखा पानी था, लेकिन यहाँ पे ना बहुत अच्छा है, ज़्यादा मिर्ची वाला पानी नहीं है, अच्छे बहुत टेस्टी थे तो खा के आ गए। अब जा रहे हैं घर के लिए, ये यहाँ का एरिया अगर आपको दिखा दूँ तो ये पूरा ट्यूलिप का है, और यहाँ पे ना आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी नॉर्मली, खाने पीने से लेके सारा कुछ। तो ये है हमारे घर की कंडीशन कि जब मन करे तब कहीं पे भी चल दो। पहुंचने वाले थे घर और आगे गोलगप्पे खाने यहाँ पे। अब जो भी ये वीडियो देखेगा, भैया देखेंगे तो वो कहेंगे कि अभी तबीयत सही नहीं हुई, कभी आइसक्रीम खाने पहुंच जाती है तो कभी गोलगप्पे खाने पहुंच जाती है, लेकिन तबीयत अब थोड़ी थोड़ी ठीक होती जा रही है मेरे पहले से। अब तबीयत तो ख़राब रहेगी, दवा तो चलेगी अब कंटिन्यू 6 महीने, तो हर्ष कह रहे हैं कि इसका मतलब तो फिर खाना पीना छोड़ देंगे। क्या खा रहे हैं? अभी भी कैसा रह गया? नमकीन खा रहे हैं, उसमें नमकीन डाल के रखते हैं गाड़ी में, छोटे छोटे पैकेट जो आते हैं नमकीन के, कि जब भी भूख लगे तो उनको खा लो, बस उसे ही खाते जा रहे हैं। तो आ गए हम गोलगप्पे खा के, ज़बरदस्ती ले गए वहीं से गेम, मतलब घुसने वाले थे गली में और वहीं से गाड़ी घुमा दी कि चल तुझे गोलगप्पे खिला खिला, तो ज़बरदस्ती हो रही है मेरे साथ में। गई फिर मैं, खा के आए हम दोनों, अभी आ चुके हैं घर पे, बस अब खाने पीने की तैयारी करेंगे, कुछ नहीं है अभी, मैंने चेंज भी नहीं करा है, बस आके मुँह हाथ धोया है और चेंज करने जा रही हूँ कपड़े, और उसके बाद में फिर देखेंगे क्या खाना बनाना है क्या नहीं बनाना है। भूख तो लगी थी बहुत तेज की, लेकिन ना गोलगप्पे खा के भूख भी मेरी ख़त्म हो गई। ऑफिस से आते आते भूख शुरू हो जाती है मेरी, क्योंकि मैं ऑफिस में चाय या कुछ भी नहीं लेती हूँ पूरा सुबह, जब बस लंच करती हूँ और बीच में ब्रेक में चाय नहीं पीती हूँ, तो शाम होते होते 6:30 होते होते ना भूख लगने लगती है। और तो अभी देखते हैं, अभी हर्ष पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद में कुछ देखते हैं। फ्रूट्स रखे हैं मेरे, काट के रखे थे हर्ष ने, तरबूज और आम दोनों। आम तो आज खाना नहीं बना था सुबह, जैसे कि मैंने बताया था, तो लंच देने गए थे मेरा, उसी में आम काट के भी रख दिया था, तो थोड़ा सा खाया वो बच गया। तरबूज मॉर्निंग में ही मेरे साथ रख दिया था, तो वो तो मैंने छुआ भी नहीं है, वो तो खाया भी नहीं है, वो अभी मैंने फ्रिज में लगाया आके, उसको अब खाएंगे कटा हुआ है, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा तो अब खाना पड़ेगा वो, और नहीं तो सुबह तक तो वो ख़राब हो जाएगा कटा हुआ। तो ऐसे ही है, ले के जाती हूँ ऑफिस में, वो वापस आ जाता है, खा ही नहीं पाती, काम इतना होता है, बस लंच में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद में वैसे पेट भर जाता है तो फ्रूट खाने का मन नहीं करता, और बाद में जब फिर उसके बाद तो टाइम होता ही नहीं है, काम में बिज़ी हो जाते हैं, वो रखे के रखे रह जाते हैं जो भी लेके जाती हूँ, कभी टाइम मिल गया बाई चांस काम कम है तब तो खा भी लेती हूँ, नहीं तो वो जैसे जाते हैं ना वैसे ही वापस आ जाते हैं घर।
फिर घर पे आके थोड़ा बहुत खाने पड़ते हैं, नहीं तो नहीं। तो अभी हर्ष पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में दिखाती हूँ मैं आपको।